ओ हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है जो हम शूट कर रहे हैं बोल्ट पर। और अभी हम हरिद्वार जा रहे हैं, हमें थोड़ा काम भी है और हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का सामान भी लेना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस, हमें अपनी एक्टिवा सी की और अपनी बुलेट को मॉडिफाई करवाएंगे। और हम रुड़की गए थे तो हमें रुड़की में वो सामान ज़्यादा कुछ मिला नहीं, जैसे कि उसकी लाइट्स वगैरह नहीं मिली, हमें हैंडल बार नहीं मिला और बाकी छोटा मोटा सामान था, तो हमें सारा सामान नहीं मिला। तो हमने सोचा क्यों ना हम हरिद्वार जाकर ट्राई करें, क्या पता वहाँ मिल जाए। और गाइस, पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि अपनी एक्टिवा सी की मॉडिफाई करवाऊँ, क्योंकि गाइस वो अभी अभी सर्विसिंग से आई है और हमने उसकी सर्विस वगैरह कराई है, उसके डेंट वगैरह निकलवाए हैं और उसकी पीछे की लाइट वगैरह भी टूट गई थी और वो सब करवाया है। तो उस पर एक बिफोर आफ्टर की एक अलग ही वीडियो बनाएंगे गाइस, वो जरूर देखना। हम उसमें ये बताएंगे कि हमारा कितना टाइम और पैसे लगे हैं और कितने का इंश्योरेंस क्लेम हुआ है और उन्होंने क्या क्या करा है और कैसे कैसे टूटी हुई थी वे, वो सब फॉर्मेशन उस आने वाली वीडियो में देंगे। और वो गाइस इस वीडियो के बाद या फिर इसकी अगली दो वीडियो के बाद आ जाएगी। तो अभी तो हम हरिद्वार जा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि गाइस अपनी बुलेट को मॉडिफाई कराएं या ना कराएं। वैसे भी गाइस ये बुलेट इलेक्ट्रा है, क्लासिक नहीं है। क्लासिक में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो इलेक्ट्रा है ना, नहीं गाइस, जो इलेक्ट्रा है ना, वो उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफाई हमें करवा के करवाना पड़ता है, क्योंकि वो उससे और ज़्यादा अच्छी लगती है और ज़्यादा सुंदर लगती है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं कि हम एक्टिवा सीख जी और अपनी एक्टिव और अपनी बुलेट में क्या क्या मॉडिफाई करवाएं। और अभी हम ज़रा रुकते हैं, हमें थोड़ा पानी वगैरह पीना है, हमें प्यास लग रही है और थोड़ा रुकेंगे हम अभी। और बीच में हमें थोड़ा काम वगैरह भी है शहर में, तो थोड़ा रुकने हम रेडी हैं यहाँ से चलने के लिए। तो हम चलते हैं, देख लेते साइड वगैरह। तो अब हमें यहाँ से जाना है, हम शहर में रुके थे, हमारा काम वगैरह भी हो गया है बीच में और हम चल रहे हैं। हमें एक टनल अभी आएगी आगे, हमें यहाँ से मुड़ना है, फिर हम अपनी साइड हो जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से मुड़ते हैं और इसमें देखते हैं कैसी आवाज़ आती है टनल में। तो टनल में गाइस काफ़ी ही लाउड आवाज़ आ रही है, और वैसे भी गाइस इलेक्ट्रा की तो बहुत ज़्यादा लाउड है और देख सकते हैं। और अभी मैंने ना इसकी आवाज़ वगैरह आपको सुनवाएंगे आने वाली वीडियो में। इसमें हमने बंद कर दी थी गाइस, क्योंकि हम ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो हमने इसकी आवाज़ फ़िलहाल बंद कर दी थी। और हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं और हरिद्वार हम कुछ 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको कुछ अपडेट्स दे देता हूँ आने वाली वीडियो के। आने वाली वीडियो एक तो एक्टिवा सिक्स जी की मॉडिफाई की होगी और एक होएगी बिफोर आफ्टर की, कि पहले कैसी थी। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जैसे कि वो सब आएगी और वो इसी चैनल पर आएगी। और ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, तो गाइस सपोर्ट करना यार अपने भाई को, उसकी लाइफ का फर्स्ट व्लॉग है। और ये मैं बुलेट पर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब पहले मेरा प्लान था कि मैं एक्टिवा सीजी पर करूँगा, लेकिन गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना हम बुलेट पर ही रिकॉर्ड करें। तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर देना गाइस। और थैंक यू गाइस, आपने हमारा ये जो है व्लॉग देखा। तो अभी के लिए इतना ही हो रहा गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ अभी आगे चलकर। ये देखिए, अब बने रहिए वीडियो में, अभी आपको एक व्यू देखने को मिलेगा सन का, काफ़ी अच्छा आ रहा था तो हमने वो भी रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये देखिए गाइस, ये रहा वो व्यू और ये काफ़ी अच्छा था। तो बस गाइस चलते हैं, थैंक यू आपने वीडियो देखी, बाय गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नए व्लॉग में। ओके अगेन, बाय गाइस।